गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई शैल टीच यू लेसन 14, दैट्स माय गर्ल। तो इसमें स्टोरी आप लोगों को बता दिए थे कि जो विजयलक्ष्मी है उसकी टीचर उसको क्लासरूम में अपने डेस्क पे बैठी रहती है, उसको बुलाती हैं, और विजयलक्ष्मी राइटिंग लिखना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने एक इससे लिखा था, तो उस इससे को उसकी मैडम पढ़ लेती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी तारीफ़ करने के लिए उसको बुलाती हैं और उसको बोलती हैं कि जो तुमने इससे लिखा है बुक में उसको सभी लोगों को पढ़ के सुनाओ। तो यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी बताए थे, अब देखिए यहाँ से। द गर्ल लुक्ड एट द टीचर, मतलब कि जो उसकी टीचर थी जब विजयलक्ष्मी को बुलाई हैं, तो जब विजयलक्ष्मी अपनी टीचर के पास आ रही है तो उसके बाद का उसका क्या रिएक्शन है विजयलक्ष्मी का उसको बता रहे हैं। द गर्ल लुक्ड एट द टीचर अनसर्टेनली एंड सेड यस मैडम एंड टुक द मैगजीन फ्राम हर टीचर्स हैंड। जो विजयलक्ष्मी थी उसी को यहाँ पे गर्ल बोला गया है। विजयलक्ष्मी अपनी टीचर की तरफ देखती है अनसर्टेनली ने बिना चिंतित हुए एंड सीडर बोलती है यस मैडम, हाँ मैडम, एंड टुक द मैगजीन, और उसकी मैडम के हाथों में जो मैगजीन रहता है जिसमें उसने अपनी इससे लिखी हुई थी, तो उस मैगजीन को वो ले लेती है अपने टीचर के हाथों से। कौन? विजयलक्ष्मी। माई फ्रेंड एंड आई सी रीड, मतलब कि जो उसकी मैडम ने जो मैगजीन लिया था उस मैगजीन में माई फ्रेंड और आई नामक एक टॉपिक है जिसके ऊपर विजयलक्ष्मी ने इससे लिखा है, तो अब वो क्लास के सभी स्टूडेंट को पढ़ करके सुना रही है। माई फ्रेंड एंड आई सी सेड बोथ माई फ्रेंड एंड मी आर फ्रॉम द साउथ, मतलब कि जो विजयलक्ष्मी और जो इसकी फ्रेंड है जिसका नाम इंदिरा है, अभी नीचे हम पढ़ाएंगे तो उसका नाम बताएंगे, नाम दिया है, तो मतलब कि विजयलक्ष्मी उस अपने इससे राइटिंग में लिखी है कि बोथ माई फ्रेंड्स, मतलब कि विजयलक्ष्मी और उसकी जो फ्रेंड इंदिरा है दोनों कहाँ की रहने वाले हैं? साउथ की, मतलब कि इंडिया के पार्ट्स में। सी इज फ्रॉम वेल्लोर, मतलब कि जो इंदिरा है अपने फ्रेंड के बारे में बता रही है विजयलक्ष्मी कि जो इंदिरा है वो वेल्लोर की रहने वाली है और जो विजयलक्ष्मी है कहाँ की रहने वाली है? मद्रास की। एवरीवन हियर कॉल्स अस ब्लैकी, और इसके क्लास के जो सभी लोग हैं इन दोनों को, मतलब कि इंदिरा को और विजयलक्ष्मी को, दोनों को क्या कहकर बुलाते हैं? ब्लैकी। माई फ्रेंड डज नॉट माइंड बट आई डू, जो इसकी फ्रेंड विजयलक्ष्मी की जो फ्रेंड इंदिरा है उसको तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब लोग उसको ब्लैकी कहकर बुलाते हैं, लेकिन जो विजयलक्ष्मी है इस बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। माई फ्रेंड सेज, इसकी फ्रेंड इससे कहती है, माई फ्रेंड सेज सो वाट इफ दे कॉल्स अस ब्लैकी, तो जो इसकी फ्रेंड इंदिरा है विजयलक्ष्मी से पूछ रही है कि जो इसके लोग हैं स्कूल के या जो अन्य जगहों के लोग हैं तो इन लोगों को ब्लैकी कहकर क्यों बुलाते हैं? लेट देम, जाने दो, बोल रही है विजयलक्ष्मी, जाने दो, कोई बात नहीं। इट डज नॉट बोदर मी, बोदर मतलब होता है परेशानी, ब्रदर नहीं देखिए बोदर दिया है, तो विजयलक्ष्मी बोल रही है कि चलो इससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, कहने दो उन लोगों को। डोंट यू नो, क्या तुम जानती हो, ब्लैक इज ब्यूटीफुल, मतलब कि वो लोग जो ब्लैक हम लोगों को कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। वो ऐसा अपने फ्रेंड को दिलासा देते हुए झूठे बोल रही है। वेन आई लुक एट हर लार्ज स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग मतलब चमकते हुए आईज, मतलब कि जो विजयलक्ष्मी है जब अपने फ्रेंड के चमकती हुई आँखों की तरफ देखती है, हर स्ट्रेट ब्लैक हेयर फॉलिंग सॉफ्टली ऑन हर शोल्डर्स, मतलब कि जो इसकी फ्रेंड इंदिरा है तो उसके जो ब्लैक और सीधे सीधे बाल हैं उसके शोल्डर इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं कि उसके शोल्डर तक गिरे हुए हैं। आई फील यस सी इज ब्यूटीफुल, तो विजयलक्ष्मी को भी उसके बालों को देख कर के ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि हाँ इंदिरा सच में ब्यूटीफुल है, बट नॉट मी, लेकिन जो विजयलक्ष्मी है वो सुंदर नहीं है। नॉट विथ माई अवे फुल फ्रिजी है, फ्रिजी मतलब घुघराल है, क्योंकि जो इसकी फ्रेंड इंदिरा है उसके बाल लंबे लंबे सीधे सीधे और काले काले हैं, लेकिन इसके जो बाल हैं घुघराले हैं तो उतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए अपने आप बोले कि मैं उतना ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ जितना कि कौन? इंदिरा। आई टेल हर ब्लैक इज ब्यूटीफुल इज जस्ट ए स्लोगन, स्लोगन मतलब नारा, मतलब कि जो विजयलक्ष्मी अपने फ्रेंड को बता रही है कि जो ब्लैक इज ब्यूटीफुल ये उसी तरह वो लोग कहते हैं, तो बस एक नारा है। ओके एग्रीड सी लाफ्स, अब इसकी बातों पर जो इसकी फ्रेंड इंदिरा है वो विश्वास कर लेती है, एग्री हो जाती है और हंसने लगती है। बट हाउ डू यू लाइक दिस, फिर इंदिरा इससे पूछती है कि लेकिन तुम कैसे इस सपने लोग जो हमको ब्लैकी कहकर बुलाते हैं कैसे इस बात से सहमत हो जाती हो या तुमको अच्छा लगता है?
ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, जो सुंदरता है लोगों की आंखों में होती है। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करती हूँ। मतलब कि उन जो सभी लोग इन लोगों को ब्लैकी का कर चिढ़ा रहे हैं, उन बातों को पसंद कर रही है। इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक ए पोएम, और वो लोग जब एक साथ ब्लैकी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पोएम की साउंड पढ़ करके सुना रहा हो। मतलब पोएम जैसे हम लोग लयबद्ध पढ़ते हैं कविता, उस प्रकार से ऐसा लगता है कि इन लोगों को कोई ब्लैकी का घर जब बुलाता है। तो आई वंडर वेयर सी रीड्स ऑल दिस, तो जो इन विजयलक्ष्मी अपनी फ्रेंड की बातों को सुनकर बहुत आश्चर्य होती है कि इसको ये सब बातें कहाँ से मालूम है। कि मतलब कि जो लोग हैं हम लोगों को ब्लैकी का घर बुलाते हैं, तो इस ब्लैकी का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच ब्यूटीफुल वर्ड्स इन द बुक आई हैव रीड, बोल रही है कि इससे पहले इतना ज़्यादा सुंदर वर्ड मैंने कभी भी किसी बुक में नहीं पढ़ा था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।